बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बी फाइंडर से मैं हूं फरहान जफर। सोशल मीडिया स्टार निमरा अली इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं और इनसे जानते हैं ज़िंदगी कहां तक पहुंची है और अब ये क्या कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। फिलहाल मैं मैसेज कर रही हूं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? निमरा, आप अभी तक वैसी ही हैं जैसे हमने छोड़ा था छोटी सी निमरा को, आज भी आप वैसी हैं। नहीं, कद की बात कर रहे हैं या मेरे नेचर की बात कर रहे हैं? नेचर की बात। बात सुने, इंसान आसमान पे बेशक पहुंच जाए, रहता तो इंसान वैसा ही है। वो बात अलग है कि जो उसके पास थोड़ा सा फेम आ जाता है ना, वो उसको गरूर ले आता है। लेकिन मेरी अम्मी ने तो मुझे ज़िंदगी में बस एक ही चीज़ सिखाई है, चाहे तुम तारे क्यों ना तोड़ के लाओ निमरा, लेकिन गुरूर नहीं करना, क्योंकि तकब्बुर और गुरूर अल्लाह ताला को नापसंद है। वाह 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 वाह, स्पीड वही है बोलने की। ये बताइएगा, हमने आपका नेशनल पॉइंट पर बहुत पहले इंटरव्यू किया हुआ है, तो आज तक लोग मैसेज करते हैं और आज तक इतना पसंद करते हैं, क्या समझती हैं कहाँ पहुँचना है, कहाँ से ऑफर्स आ रही हैं? बॉलीवुड से ऑफर आई है कोई? इतने निमरा के छक्के लग ही ना जाए। बॉलीवुड से आज तक ऑफर नहीं आई, बस अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह इतना अर्न कर लेती हूँ कि मेरे लिए वो काफ़ी है। कोई ऑफर शॉफर ऑफर आती भी है तो मैं देखती हूँ, अगर मेरी अम्मी को ठीक लगती है तो ठीक है, वरना कैंसिल। निमरा, अगर आ जाए बॉलीवुड से ऑफर, आ जाए तो जाना है? नहीं, इंडिया नहीं जाना। इंडिया में मुझे अदाकार पसंद जरूर है, लेकिन इंडिया में जाना नहीं है। हमारा पाकिस्तान मुल्क एक बहुत अच्छा मुल्क है, मैं उसी में बहुत खुश हूँ। अक्षय कुमार, शाहरुख खान, सलमान खान, कोई फिल्म में कोई भी रोल दे दे। बेटी का रोल देंगे तो जरूर करूँगी। बेटी का रोल मिल गया तो वाकई जाएंगी? बेटी का रोल मिल गया, सारा खर्चा उठाए मेरे जाने का, मुझे अच्छे खासे पैसे देंगे तो फिर मैं जाऊँगी ना, ऐसे मुँह चुप के चली जाऊँ मिले कख ना। चलें जी, निमरा राजी है जाने के लिए। निमरा, ये बताइएगा, आपको अब लोग स्क्रीन पे स्टोरीज करते हुए देखते हैं, क्या प्लानिंग कर रही हैं? स्टोरीज में ही मज़ीद आगे चलना है, व्लॉगिंग करनी है? लोग जो आपके चाहने वाले हैं, फैंस हैं, वो जानना चाहते हैं आगे क्या करने वाली हैं? मेरे भी फैंस हैं। वाओ, नाइस नाइस आंसर। अच्छा, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि मैं स्टोरीज वगैरह कर रही हूँ, मतलब मुझे रहना मीडिया में ही है। मीडिया की फील्ड मुझे चूज़ करनी थी पहले ही, वायरल होने से पहले भी। अब मुझे मौका मिला है, अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत दिया, तो मैं इसको अवेल करूँगी, मीडिया में जाऊँगी, स्टोरीज़ भी करती हूँ, व्लॉगिंग भी करती हूँ, इंटरव्यूज़ भी करती हूँ, प्रैंक्स भी करती हूँ, तरह तरह की चीज़ें करती हूँ। मल्टी टैलेंटेड हूँ भाई, क्या करूँ मैं, तो गाने भी शूट करती हूँ, टिकटॉक्स भी बनाती हूँ, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर भी हूँ, तो सब कुछ यूज़ करूँगी इंशाल्लाह आगे भी। वाह वाह, सुन लिया होगा। निमरा, ये बताइएगा, आपको देखने के बाद लोगों ने बड़ी ट्राइयाँ करी कि ओवरनाइट सक्सेस हासिल कर लें, लोगों ने आपकी तरह बोलना शुरू किया, अजीबोगरीब हरकतें करना शुरू हुई, आप क्या समझती हैं ये ब्लेसिंग अल्लाह की तरफ से आपके ऊपर खास नहीं थी कि अल्लाह ताला ने आपको इज्जत देनी थी जो एक ही रात में इतनी शोहरत की बुलंदियों पे चलेगी? जो लोग आपको देख रहे हैं, लास्टली ये बता दीजिएगा कि उनको क्या मैसेज देंगे अगर वो नाम बनाना चाहते हैं, फेम करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि इज़्ज़त देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। अगर हम तेज़ मैं अगर तेज़ बोलती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, तो ये भी अल्लाह ताला की तरफ से मुझे मिला हुआ है। मेरी तरह की हज़ारों लड़कियाँ होंगी जो तेज़ बोलती होंगी, ज़्यादा बोलती होंगी, लेकिन वो कैमरे पर आई भी होंगी तो वो वायरल नहीं हो चुकी होंगी, क्योंकि मैं अब क्या कहूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं इतना ही कह सकती हूँ, तो अल्लाह की तरफ से मुझे तो हुआ जो भी हुआ है, मैंने खुद से कुछ भी नहीं किया। मैं जैसी पहले थी, मैं अभी भी वैसी हूँ। लोग मुझे देख के कहते हैं, मेरी ड्रेसिंग लोग देख के कहते हैं, पहले शलवार कमीज पहनती थी, अब जीन शर्ट पे आ गई है। भाई, मैं जब वायरल नहीं थी, मैं तब भी ऐसे कपड़े पहनती थी, बस फर्क इतना था कि मैंने कभी अपलोड नहीं किया था, अब मैंने अपलोड करनी शुरू कर दी है। लोग मुझे क्रिटिसाइज करते हैं, फेम एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपको अगर 70% लोग पसंद करते हैं ना, तो 30% लोग आपको हमेशा नापसंद करेंगे ही करेंगे। और यही राज है आपके आगे जाने का, कि आप उन लोगों को बताते हैं कि हमारे पास टैलेंट है। मेरे पास बोलने का टैलेंट था, मैंने उसको इस्तेमाल किया, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वायरल हुए, अभी 1 साल 2 महीने हो चुके हैं और मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में। वाह जी, खाना आ गया, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। निमरा, आखिर में बताते हैं, अमीर हो गई हैं? अमीर नहीं हो गई, सैब हैसियत हो गई। सुभान अल्लाह, इतनी छोटी सी बच्ची है, इसने बड़ा कूजे दरिया को कूजे में बंद कर दिया जवाब दे के ना, और बड़ा अच्छा लगा निमरा आपसे। अल्लाह ताला इसी तरह आपको कामयाब करे, तरक्कियों का सफर जारी रखें, इसी तरह आपको हंसी खुशी देखते रहें। शनवारी हुजरा से, वी फाइंडर से फरहान जफर को जा दीजिए, अल्लाह हाफिज़।